आरोप झूठा है। 100 करोड़ रुपए लिए थे, 100 करोड़ रुपए कहीं तो डाले होंगे, बैंक में डाले होंगे, इन जेब में डाले होंगे, घर में डाले होंगे, मतलब उन 100 करोड़ नहीं, स्विस बैंक में एफडी करवा दी गई हम लोगों ने। बीजेपी ने पूरे देश में अघोषित राजतंत्र लागू कर रखा है, जिसका पहले राजा कहते थे ना फलाने ढाके लिया हो भाई उन्हें फांसी देंगे, वो वाला काम चालू कर रखा है। कल एक केजरीवाल जी जेल चले जाएंगे, पार्टी फिर भी चलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आज पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, और कुरुक्षेत्र में जो मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं उनके आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है, क्योंकि प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यहाँ पर करना था, और उसी हिसाब से चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही हैं। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं और यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है, और आप ये देखिए किस तरह से नारेबाजी कर करके वो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार वो नारेबाजी यहाँ पे जारी है। जिस तरह से गिरफ्तार किया गया केजरीवाल जी को, बीजेपी का कहना है अगर माल खाओगे तो जेल जाना पड़ेगा। नहीं, ये देखिए बिल्कुल गलत है, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। कल उनकी आज उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। ऐसे क्या बुखार चढ़ गया रातों रात ईडी को कि एक दिन पहले ये सब करना पड़ा। नहीं, वो सम्मन तो 10 बार दे चुके हैं ना, तो उसके लिए एक रीजन होता है ना कि क्यों सम्मन दे रहे हैं आप। आपको शराब घोटाले में नाम आया है, 100 करोड़ की रिश्वत लेने की मिला, फिर कुछ मिला? संजय सिंह अंदर बैठे हैं, मनीष सिसोदिया 1 साल से अंदर है, कुछ मिला? 1 रुपए की रिकवरी हुई है? ऐसे पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हो, और लोकसभा के बाद कुछ करना चाहिए था आपको, एकदम से क्या डर था जो आपने अभी ऐसा किया? ये सरासर गलती, सरासर लोकतंत्र की हत्या है। तो आज आप क्या करोगे आप लोग? हम लोग आज नायब सिंह सैनी हमारे सीएम है हरियाणा के, उनके घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केजरीवाल को रिहा करो, ये जो ईडी के आपने झूठा पुलिंदा बनाया है। नायब सैनी के यहाँ प्रदर्शन करने से कैसे होगा जी? नायब सैनी के यहाँ प्रदर्शन करने से कैसे होगा, क्या इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, ये पूरे हमारे जितने भी एरियाज है पूरी कंट्री के अंदर, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर हरियाणा के सीएम के घर के बाहर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। आप ये देखिए किस तरह से कितने जोश के साथ वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अजय जी, केजरीवाल जी पर आरोप है कि 100 करोड़ की रिश्वत ली है उन्होंने, क्या लगता है? ली है? आरोप झूठा है, 100 करोड़ रुपए लिए थे, 100 करोड़ रुपए कहीं तो डाले होंगे, बैंक में डाले होंगे, इन जेब में डाले होंगे, घर में डाले होंगे, मतलब उन 100 करोड़ नहीं, स्विस बैंक में एफडी करवा दी गई हम लोगों ने। जांच एजेंसी इनकी है, सीबीआई इनकी है, ईडी इनकी है, आईबी इनकी है। अरे जांच करके निकाल लो, फिर ईडी वाले मुंह में दही जमा के बैठे थे, 2 साल तक 100 करोड़ खा लिए, 100 करोड़ खा लिए, कोई 3000 करोड़ खा लिए, कोई 100 करोड़ खा लिए, कोई 31 करोड़ खा लिए, पहले डाटा तो इकट्ठा कर लो एक्चुअल में कितने खा लिए। अच्छा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आज कानून की जीत हुई है, कानून सबके लिए एक जैसा है। कहां जीत हुई कानून की भाई साहब? ऐसे है, गठबंधन सरकार है, मैं कुछ पुराने देश के इतिहास ठाण नहीं चाहता, लेकिन कुछ बात बीजेपी को भी पता है। बीजेपी ने पूरे देश में अघोषित राजतंत्र लागू कर रखा है, जिसका पहले राजा कहते थे ना फलाने ढाके लिया हो भाई उन्हें फांसी देंगे, वो वाला काम चालू कर रखा है। कल एक राजधानी का मुख्यमंत्री है, कोई टेररिस्ट हो भाग जाता हो भाई, कानून से थोड़ा भाग जाता, जनता से थोड़ा भाग जाता, क्या ऐसी नौबत आ गई कल रात अपने वहां जाकर उसको उठा के ले गए आप रात को? इतना दुर्व्यवहार एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ, आम जनता के साथ क्या होता होगा? अगर 48 घंटे के अंदर उनको रिमांड पे ले लिया जाता है तो मुख्यमंत्री पद भी गया। ऐसा है भाई साहब, मुख्यमंत्री बनने के लिए इस पार्टी में कोई आया नहीं करता, जो यह सड़क देख रहे हो ना, यह पार्टी यहाँ तो लिगड़ गई है। हम तो निकले जेल में तय है, शुरुआत थी ना जब इस पार्टी के आंदोलन में, हमारे सर के सर फूटे थे, कोई जेल में गया, कोई मुकदमे हुए, कोई नू थोड़ा सोच गए थे घर तक मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, हमने नहीं बनना कुछ भी, हम तो देश में चेंज करने के लिए आ रहे हैं, चेंज होंगे। केजरीवाल जी जेल चले जाएंगे, पार्टी फिर भी चलेगी, पार्टी जोर शोर से चलेगी, एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, एक आंदोलन है, चलता रहेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ता है। बीजेपी ने अपना घृणित चेहरा, घृणित कायर में मोदी को कहूंगा, उसने अपना चेहरा जनता के सामने रखा है कि चुनाव से एन पहले, अरे दम चुनाव में आ जाओ, क्या दिक्कत हो रही है? या तो जीतोगे या हारोगे, हम हार स्वीकार करते हैं, अगर हम जीत जाते हैं तो, अगर जीतते हैं तो जीत स्वीकार करो, क्या प्रॉब्लम है इस बात में? तो आज नायब सैनी का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, राष्ट्रपति को ज्ञापन क्यों नहीं सौंप रहे आप? ऐसा है भाई साहब, राष्ट्रपति
भारत में एक स्टाम्प है जो कैबिनेट लिख के देती है, राष्ट्रपति साइन मारता है। राष्ट्रपति इसके अलावा क्या करता है देश के अंदर, आप ये बताओ। कल राष्ट्रपति कहाँ जा रहा था भाई? राष्ट्रपति यहीं तो होगा। पूरा देश जब तमाशा देख रहा था, चुनुए मुख्यमंत्री के गिरेबान पर डाला जा रहा है, राष्ट्रपति ने क्यों उस टाइम पर लागू किया भाई? मणिपुर में कहाँ चला गया था राष्ट्रपति? आपातकाल क्यों लागू हो रहा है मणिपुर में भाई? 2500 पुलिस थाने पर कब्जा है, नक्सलियों का। क्या कर रहे हैं इस टाइम पर? फिर हम प्रदर्शन करेंगे, अहिंसक प्रदर्शन हमारा अधिकार है, हमारे से कोई छीन नहीं सकता है। हम इस देश में व्यवस्था बदलने के लिए आए थे, व्यवस्था बदल के जाएंगे, वरना जब तक लड़ेंगे जीतेंगे। क्या नाम है? रेणु चहल सर।